शनिवार को उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने गांव प्रथला में कोली समाज की एक धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रथला विधायक पंडित टेकचंद शर्मा और इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिखाई दे रहा यह नज़ारा प्रथला गांव का है, जहां पर हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल और प्रथला विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने करीब 60 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई कोली चौपाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर इलाके के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के बीच स्टेज पर पहुंची राजकीय उच्च कन्या विद्यालय की छात्राओं ने मंत्री विपुल गोयल के सामने अपने स्कूल में टीचरों की कमी की समस्या को सामने रखा। साथ ही प्रथला गांव के लोगों ने गांव के युवा बच्चों के लिए भी प्रतिभा इंडस्ट्री में करीब 100 कंपनियों की गणना करते हुए मंत्री महोदय से आग्रह किया कि हर कंपनी में प्रथला गांव के करीब 5-5 बच्चों को लगाया जाए तो बेरोजगार घूम रहे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। जिस पर मंत्री महोदय ने 2 महीने का समय देते हुए स्कूल में टीचरों की समस्या और कंपनियों में युवाओं के रोजगार को लेकर 2 महीने में समस्याओं को खत्म करने का आश्वासन दिया। आज यहाँ पर कोली समाज की एक धर्मशाला चौपाल का यहाँ पर निर्माण किया गया, लेकिन आगे देखा तो चौपाल नहीं है, धर्मशाला की तरह है। बहुत ही अच्छा विकास कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मॉडल चौपाल। अगर इस तरीके की चौपालें गांव के अंदर बनने लगेंगी तो मैं समझता हूँ किसी भी तरीके के बड़े बड़े फंक्शन आयोजन करने के लिए गाँव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं विधायक टेकचंद शर्मा जी और डुबरी सरपंच को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सुंदर और अच्छे गाँव में एक समस्या बहुत बड़ी आई है, बच्चे स्कूल में जो टीचरों का 2 महीने के अंदर अंदर रोजगार मेला भी लगा दिया जाएगा और जो टीचरों की कमी है उसे दूर करने का काम हम जल्दी। कांग्रेस विश्वासघात के रूप में मना रही है आज के इस दिन को, क्या कहना है? अरे 4 साल हमारी सरकार ने पूरे किया, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई बात नहीं है कहने को। सरकार के विकास कार्य इतने उनकी नींद उड़ चुकी है, इसलिए वो अनर्गल बातें कह रहे हैं। इसे विश्वासघात।